अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अली हेल्थ एंड हब डॉट कॉम के नाम से मेरी वेबसाइट जो अभी बिल्ड हो रही है, इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है। आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ के बारे में जो है नुस्खा जात चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पॉजिटिव 110% एक्यूरेट नुस्खे ला के दूँ, ताकि आप जब उनको अपनाएं तो इंशाल्लाह आपको उनमें फ़ायदा हो। जैसा कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मुझे काफ़ी जो है कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे कुछ हजरात ने कहा कि आप कुछ ऐसे ही खुराक बता दें कि जिससे स्पर्म स्पर्म सेल जो है वो बढ़ जाएँ, तो लीथी सेल जिनको हम बोलते हैं, जिससे आपकी बच्चे की पैदाइश जो है अमल में आती है, ऐसे सेल जो हैं वो सेक्स सेल आप कह लें, सेक्स पावर कह लें, कि वो बढ़ जाए। तो मैंने फिर काफ़ी जो है इसके ऊपर रिसर्च की और कुछ चीज़ें जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ, कुछ ऐसी खुराक लेके आया हूँ कि अगर आप जो हैं वो उनको करते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको जो है आपके सेक्स में भी काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। और उन हज़रात के लिए भी है कि जो कहते हैं कि मेरा सेक्स करने का दिल करता है, लेकिन जब करने लगता हूँ तो तबीयत में कुछ आवाज़ाही पैदा हो जाती है, मूड नहीं करता। होता है लेकिन करने का मूड नहीं करता, आगे ज़हनी मूड नहीं होता। और जब मैं सेक्स कर लेता हूँ एक दफ़ा तो मैं थक जाता हूँ और दोबारा से करने का दिल करता लेकिन कर नहीं पाता। ठीक है, इस तरह के जो भी मसले मसाइल हैं वो भी जो है इस चीज़ के साथ वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको एक ऐसा फूड सैलड बताने लगा हूँ, ऐसा आपको एक सलाद बताने लगा, बिल्कुल सिंपल सा सलाद है, घरेलू इस्तेमाल में भी बहुत जो है वो असर रखता है और आप लोग इस्तेमाल भी करते हैं। और जब आप उसको आप उस चीज़ के तौर पर अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरा फ़ायदा होगा। मैं आपको जो है अशिया बता देता हूँ, आप नोट फरमा लेंगे कौन सी अशिया जो है आप ये यूज़ करनी है अपने सलाद के साथ, तो इंशाल्लाह आपको इन चीज़ों का जो है ना 110% फ़र्क मिलेगा। नंबर एक चीज़ आपने जो है कुकम्बर, ठीक है, खीरा, आपने खीरा ले लेना है, उसके बाद जिंजर ले लेनी है, अदरक, उसके बाद गार्लिक ले लेना है आपने, लहसुन, उसके बाद ओनियन ले लेना है आपने, ठीक है, ओनियन प्याज आपने ले लेना है, उसके बाद लास्ट जो चीज़ है वो है ग्रीन चिली, सब्ज़ मिर्च जो है आपकी ये ले लेनी है। आपने क्या करना है, जो खीरा है इसको आपने काट लेना है सलाद के तौर पे, इसी तरह ही आपने ग्रीन चिली सब्ज़ मिर्च को भी काट लेना है। अगर आप बीज निकाल देंगे तो तब भी बेहतर है, अगर नहीं निकालेंगे तब भी बेहतर है। अगर आपको लगता है कि बीज आपको नहीं सूटेबल तो आप बीज निकाल कर उसको यूज़ करते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप जो है अदरक ले लें, अदरक जो है आप पीस काट लें या पीस लें, पेस्ट बना लें उसका, अदरक और लहसुन का जो है आप एक पेस्ट बना लें, जिसको हम अपनी ज़बान में चटनी भी कहते हैं, आप एक किस्म की उसकी चटनी बना लें इन दोनों चीज़ों की। और उसको जो है एक चम्मच जो है ना आपने डाल लेनी है अपनी प्लेट में, उसको खाना है। और साथ प्याज आप एक लहसुन एक जो है आप प्याज वो ले लें और उसको जो है काट लें और अपने सलाद के तौर पर यूज़ करें। ये जब आप चीज़ें यूज़ करेंगे अपने सलाद के साथ, खाने के साथ, जो आप दोपहर को नाश्ता कर दोपहर को जो खाना खाते हैं तब, और जो आप रात को खाना खाते हैं तब, तो इंशाल्लाह आपको जो है 110% जो है फ़ायदा महसूस होगा। और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये 110% आजमूदा चीज़ है, और ये वो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब आप इसको करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे, फिर मुझे आप बताइएगा, इसको इस्तेमाल करें फिर मुझे बताइएगा। मुझे नेक्स्ट टाइम तक की वीडियो के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।